Yes. बैठिए 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 आप. ओ देखो भाई. एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा और ये कोर्ट है. एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी, ये क्या ये कटघरा वटघरा ये कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहना दिया, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? करना क्या चाहते हैं आप? मामला सीरियस है, कॉमेडी सीरियल का एपिसोड नहीं बना रहे हम. राजेश भाई रहने दो ना, दो घड़ी मनोरंजन और के. अरे अथर्व और सखी ये मुद्दा उठाते हैं, देखते हैं ना, आइए ना, बैठते हैं बैठते हैं, छोड़ो इसको झालर को. चलिए बैठिए आप, शांति बनाए रखिए, बैठिए. तो बच्चों शुरू करें. बनना भाभी? मां नहीं, जज बनिए. मुकदमा नंबर एक, सखी वागले विरुद्ध अथर्व वागले. ऑनरेबल कोर्ट अथर्व वागले को ओपनिंग आर्ग्यूमेंट करने का आदेश देती है. ये अदालत है. मजा आ रहा है दक्कू भाई को, मजा आ रहा है. ओरिजिनल कोर्ट में कभी गए नहीं होंगे ना, यहाँ से भड़ास निकल रहा है. यो ना, मैं अथर्व वागले और ये मेरा पार्टनर विद्युत अग्रवाल. मारो छोरो है. अच्छा? ओ, अच्छा अच्छा. हम दोनों ने अपनी अपनी सेविंग से एक कंपनी शुरू की है जिसका नाम है ए वी काइट्स. इस कंपनी का मेन बिजनेस है पतंग और मांझे बेचना, जिसके लिए हमने सोसाइटी के एक कोने में एक स्टॉल भी खड़ा किया, जहाँ से हम बड़ी शांति और शान से अपना बिजनेस चलाते थे, जिसके लिए हमने सोसाइटी से परमिशन भी ली थी एंड साथ ही साथ 100 रुपीज के हिसाब से एवरीडे रेंट देने के लिए भी तैयार थे. ये है सोसाइटी को दी हुई एप्लीकेशन की कॉपी, एग्जिबिट 1A. राजेश भाई क्या मस्त तैयारी की ना बच्चों ने. वाकई में मतलब एवी काइट्स नहीं, एवी फाइट्स एंड हाउ. अच्छा जिस बात का है कि भाषा कहाँ से सीख रहे हैं? झालर नहीं सिखाई होगी वाकई. जैसा कि मैं देख रही हूँ, मिस्टर अथर्व एंड मिस्टर विद्युत ने अपना ये जो स्टॉल लगाया है उसके लिए इन्होंने सोसाइटी से प्रॉपर परमिशन ली है, जिसके लिए रोज का 100 रुपए रेंट भी भरने के लिए तैयार. और इनके पास ये जो कागजात हैं उस पे सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा के दस्तखत भी हैं. हो गया ना केस खत्म. सो मिस सखी, मिस्टर अथर्व और मिस्टर विद्युत जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बिल्कुल कायदे में रहकर कर रहे हैं. आप अपना काउंटर आर्गुमेंट पेश कीजिए. योर ऑनर, मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. ये वो आंकड़े जो दिखाते हैं कि गए साल पतंगबाजी के वजह से कितने ही पंछियों की जान चली गई है, कितने ही घायल हो गए हैं, और तो और पतंग के कटीले मांझे की वजह से कई इंसान भी घायल हुए हैं, खास करके टू व्हीलर पर जाने वाले लोगों की भी जान गई है. आप ये पेपर प्लीज जज साहिबा को दीजिए. पेपर नहीं, एग्जिबिट. एग्जिबिट बोलिए. ओके एग्जिबिट. मम्मा बस इसीलिए हम चाहते हैं. मम्मा नहीं, ऑनरेबल जज. योर ऑनर, बस इसीलिए हम चाहते हैं कि साई दर्शन हरी सोसाइटी में पतंग और मांझा बेचना और पतंग उड़ाना बैन किया जाए. मिस्टर अथर, मिस्टर विद्युत, आपको इस बारे में कुछ कहना है? यस योर ऑनर, इस देश का संविधान किसी के भी बिजनेस को हानि ना पहुंचे उसका ख्याल रखता है एंड इस निर्णय के वजह से मेरे बिजनेस को हानि पहुंच सकती है. एंड ये मिस सखी जो आज कह रही है कि पतंग उड़ाने से बर्ड्स मारे जाते हैं, तो ना ही पतंग खरीदो और ना ही बेचो. वो कल तक खुद एक एक्सपर्ट पतंगबाज थी एंड मेरे अकॉर्डिंग पिछले साल मिस सखी एंड मिस्टर राजेश वागले कुल मिलाकर 25 पतंग तो काटी होगी, जिसमें से एक श्रीमान दक्षेश जोशीपुरा की भी थी. क्या बात कर रहे हो राजेश भाई? पर इसका केस से क्या लेना देना है? लेना देना है एंड इस बात को साबित करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा कटघरे में हाजिर हो. दक्षेश जोशीपुरा कटघरे में हाजिर हो. यार वो तिवारी की भी अच्छी रिहर्सल हुई है. क्या क्या नहीं हो सकता था सर इन 1,00,000 रुपयों के साथ. सच में बहुत बुरा हुआ. इन रुपयों के साथ आप पूरी फैमिली को लेके नेपाल घूम के आ सकते थे सर. आई नो. या फिर चमचमाती हुई शानदार ज्वेलरी भाभी जी के लिए बनवा सकते थे. अगर एक घड़ी के बदले में मुझे 1,00,000 रुपए मिले होते ना तो मैं तो सीधा मॉरिशस चला जाता. वहां नीले नीले समंदर के बीचों बीच बैठ के
हैट लगा के स्ट्रॉ डाल के नारियल पानी पीता। ए भुकड़े, ये तो तू यहाँ भी कर सकता है, इसके लिए 1,00,000 रुपया खर्चा करने की क्या जरूरत है? आए लो। वैसे राजेश सर, आप जिस उम्र के आदमी के बारे में बता रहे हैं ना, उतने बुढ़े आदमी का चोर उच्चक होना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं अपने नेटवर्क के जरिए पता करता हूँ कि हरिचंद्र खरे नाम का आदमी आखिर है कौन और कहाँ रहता है। एक मिनट, ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। और 1,00,000 रुपए के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, बात है पप्पा के भरोसे की, उस पीढ़ी के भरोसे की। हरिश्चंद्र जी ने कहा है पापा से कि वो घड़ी रिपेयर करने ले जा रहे हैं, राइट? अगर वो लौट कर आते हैं तो फिर पापा जैसे हजारों लोगों का इंसानियत पे भरोसा बरकरार रहेगा। अगर वो लौट कर नहीं आते हैं, राजेश सर आपको क्या लगता है वो आदमी आएगा? नो चांस। कपड़े भूखड़े, सर आएगा, जरूर आएगा। हाँ। दो दिन हो गए, कोई आता पता नहीं उस राजा हरिश्चंद्र का। नहीं, वो आएगा, जरूर आएगा और घड़ी रिपेयर करके ले आएगा। देखिए पापा, वो ठीक है ना, घड़ी हरिश्चंद्र खरे की किस्मत में थी तो कोई बात नहीं ना, आप प्लीज जाने दीजिए। हाँ, मेरी साड़ी जब बर्तन वाली लेके गई थी, हाँ, तो कितना हंसे थे आप। अब आपका चेहरा देखिए, मुंह पे 12 बजे हैं आपके। ओहो, जाने दीजिए ना, घड़ी गई है, समय तो नहीं रुका। मैं आपके लिए ना 15 मिनट में ना खोपरे की चिक्की बना के लाती हूँ, जायफल डाल के। अरे जरा मुस्कुरा तो दीजिए, मुस्कुराइए ना। मुस्कुरा भी दूं राधिका, पर मेरी दुविधा ये है कि मुझे आज भी यकीन है कि समय भले ही बदलता रहे पर इंसानियत कभी नहीं बदलेगी ना। दादाजी, लेकिन उस घड़ी की एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है। हाँ? यस ग्रैंडपा, आई एम सॉरी। वो जब मैंने वॉच का पिक्चर एंड डिस्क्रिप्शन मेरे अंकल को भेजा तो आई गॉट टू नो दैट ये घड़ी का वैल्यू इज नॉट मोर देन 120, 120 रुपए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।